confrontation between China, India, with PLA troops back in eastern Ladakh, कि हुण ईस्टर्न लद्दाख असी जे गलवान वैली याद करिए जून 2020 15-16 जून और वो झड़प जिदे च 20 भारतीय सोल्जर मारे गए 10 दे करीब जिहड़े ने वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने जां होस्टेज बने जिन्हां दे विच करनल मेजर कैप्टन लैवल दे सीनियर ऑफिशियल जिहड़े ने जिहड़े उन्होंने आलमोस्ट 72 घंटे बाद वापस किए डैम चुक उहदे तों तां चाइना ने जिहड़ा वो कदे भी उहदे बारे तां गलबात ही नहीं उह करन नूं तैयार पर इस मुद्दे ते डी एसकेलेशन दे लई जां जिहड़ी है आपस दे विच घट जाए जिहड़ी कुड़तण है चाइना ने फरवरी इस साल च 2021 च उन्होंने कहा से भी ठीक है तुम इतने चले जाओ असं इतने चले जाने और उन्होंने 3 किलोमीटर का डिसएंगेजमेंट एरिया इन्हों के विचाले रखे से कर्नल है खुद फौज का रिटायर अजय शुक्ला और उन्होंने कहा कि आफ्टर ए विंटर लल चाइनीज ट्रूप्स हैव अगेन क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख एट सैवरल प्लेसिस हालांकि उन्हें कहा भी जोड़ा कलैश होया 2 मई न उहदे च की कैजुअलिटीज़ ने इधरों की ने उधर उन्हां दा पता नहीं है उन्होंने कहा भी इहदे बारे मैं श्योर नहीं है लेकिन सर्टनली उन्होंने ऑक्यूपाई किया और ईवन उन्होंने आलमोस्ट 2 फुल फ्लैज ब्रिगेड्स उत्थे ले आंदियां जिहड़ियां फ्रंट लाइनस दे उत्ते और S-40 मिसल सिस्टम जिहड़ा अजे इंडिया लभ रहा रशिया तो चाइना दे वह भी उन्होंने इंस्टॉल किया जून 2020 जदों इन्हां दी टेरिटरी जिहड़ी इक अंदाज़े मुताबक 1000 स्क्वेयर किलोमीटर तो ज़्यादा चीन ने लई हुई है तो मोदी ने बिल्कुल यह कहा कि जी ना कोई आया ना कोई गया ना कोई घुसा ना हमने कोई छोड़ा ना उन्होंने कुछ लिया और ये अज कर्नल अजय शुक्ला कह रहा है उन्होंने कहा जी इस बयान तो वधिया होर की बयान हो सकता सी चीन तो उसे ही पैरट की बोली कहते जी सुन लो इंडिया की गल कि भाई है ही कुछ नहीं उन्हें कहा भी जी है ही कुछ नहीं तो गलबात कहदी की है जब तुम कि मंग करते हो जी चाइना डीएसकेलेट करे क्योंकि उन्होंने तो कोई टैरिटरी ली नहीं है साढ़े कहने मुताबक और हुण दी सिचुएशन भी सिचुएशन कुछ नहीं बदली है कि बजाए इस दे कि इंडिया हिम्मत करके कहता है भी उन्होंने तो जी फरवरी एग्रीमेंट किया भी वायोलेट कर दिता है डीएसकेलेशन के लिए और नाल दी नाल आर्मी ने कहा बिल्कुल झूठी खबर है उन्होंने कहा भी आही तो चाइनीज चाहते हैं भी उन्होंने ऐसा लिया के बसा दिता है कि ये जुतियां खा के भी ये कहेंगे कि नहीं 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 असी तो सेब खाधे व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम सो व्यूअर्स हुण आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं भारत चीन के हवाले नाल जिस तरह के बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन विच छपे एक आर्टिकल अनुसार 2 मई नूं गलवान वैली विच चीन ते भारत दे फौजियां विचकार एक होर झड़प हुई सो चीन ने उस इलाके ते मुड़ कब्जा कर लिया जड़ा फरवरी विच होए भारत नाल समझौते तहत उस नूं खाली किया गया सी सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं सो असीं चाहवांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना देखण सुन लिया लिख ली तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे देखो असीं कोई भी जिहड़ी खबर जां टॉपिक डिस्कस करदे हां साडी कोशिश हुंदी है कि वह एक सॉलिड सोर्स नाल जुड़िया होए मोस्टली कोशिश हमेशा मेरी हुंदी है भी 2 इंडिपेंडेंट सोर्स होण लेकिन कई बार इक्को ही सोर्स इन्ना अहम जां इंपॉर्टेंट हुंदा है जां क्रेडिबल हुंदा है कि तुसी उस नूं डिनाई करन वाले भावें किन्ने लोग ने उन्हां नूं तुसी पासे रख के उस ते यकीन करदे हो इसे तरह बिजनेस स्टैंडर्ड एक बड़ी प्रेस्टीजियस पब्लीकेशन है और उस दे जिहड़े कॉलमनिस्ट भी ने और ये स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर ने कॉलमनिस्ट ही नहीं कल्ले स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर वो कर्नल अजय शुक्ला और अज जिहड़ी उन्हां दी लिखत 24 घंटे पहला जिहड़ी उस दे विच बिजनेस स्टैंडर्ड छपी जिन्हें चार चफेरे जिहड़ा एक किस्म की अग ला दित्ती है क्योंकि इंडियन मीडिया तो गोदी मीडिया तो है ही है उन्हें तो अपने मालकां दी ट्यून दे उत्ते ही नचना है लेकिन ईवन इस आर्टिकल जां राइट अप तो बाद इन्ना क्विक रिएक्शन गुस्से च भरी भारतीय फौजी रिजीम ने किया उस तो अंदाज़ा होंगे जिमें एक पॉपुलर कोट किया जाता है कि भी जदों रीबटल बहुत स्ट्रोंग होए उदों समझो भी खबर
सच्ची है और ये खबर जरा ओरिजिनल मैं उन्होंने वैबसाइट तो जो देखा तो ये खबर है कि कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना इंडिया विद PLA ट्रूप्स बैक इन ईस्टर्न लद्दाख के हूँ ईस्टर्न लद्दाख असी जे गलवान वैली याद करिए जून 2020 15-16 जून और वो झड़प जिदे च 20 भारतीय सोल्जर मारे गए 10 दे करीब जड़े ने वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने जा होस्टेज बने जिन्हां दे विच कर्नल मेजर कैप्टन लैवल दे सीनियर ऑफिशियल जड़े ने जड़े उन्होंने आलमोस्ट 72 घंटे बाद वापस किए और चाइना ने भी अपने 2 या 3 डैथ्स मनी है एक दो तो उन्होंने जी 100th year उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडिंग सैलीब्रेशन की उन्होंने ऑनर किया हूँ उस तो बाद असी देखते हैं कि भी ये जी गलवान वैली दे विच हुंदा है ईस्टर्न लद्दाख और ये सारा उस पेंगोंग सो लेक वाले एरिए जुड़िया हुआ है बाकी पोजिशन जड़िया इस पीरियड चाइना ने अगों ऑकूपाई कीतियां वो डैपसोंग लेक होए और दूसरे एरिए होन डैमचुक उदे तो चाइना ने जड़ा वो कदे भी उदे बारे तो गलबात ही नहीं वो करन नूं तैयार पर इस मुद्दे ते डी एसकेलेशन दे लई जां जड़ी है आपस दे विच घट जाए जड़ी कुड़तन है चाइना ने फरवरी इस साल च 2021 च उन्होंने कहा से भी ठीक है तुसी इत्थे चले जाओ असी इत्थे चले जाने और उन्होंने 3 किलोमीटर का डिसएनगेजमेंट एरिया इन्हां दे विचाले रखिया सी और ये उही है माउंटेन जिहदे च कैलाश रेंज पोजिशन जिहनूं कहा जांदा है और ये ब्लैक टॉप एंड हैलमेट ये पेंगोंग सो लेक सो चाइनीज लोकल डायलैक्ट लेक नूं ही कहिंदे ने पेंगोंग सो कहिंदे ने हुण ये जिहड़ा जिहड़ी खबर ये कर्नल है खुद फौज का रिटायर अजय शुक्ला जिहड़ी उन्होंने ब्रेक की है और उन्होंने कहा कि आफ्टर ए विंटर लल चाइनीज ट्रूप्स हैव अगेन क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख एट सैवरल प्लेसिस के ए और ये कदों होया 2 मई नू जस्ट 2 महीने पहला जो जड़ा आलमोस्ट जुलाई अद्ध च 1.5 महीना पहला कि जितों चीन ने फरवरी दे विच डी एसकेलेशन दे नां थले किनियां 11-12 मीटिंग्स इन्हां दियां होईयां कमांड अफसर दियां उन्होंने कहा जी ठीक है इत्थे आ 3 किलोमीटर की डिसएनगेजमेंट है उसे ही थां ते उसे ही गलवान वैली जिहड़ी गलवान रिवर दे कंडे है 2 मई नू चाइना दियां फोर्सिस डिफरेंट थावां तो आ के उन्होंने जिहड़ियां टॉप रेंजेस ने कैलाश रेंज दे उत्ते ब्लैक टॉप और हैलमेट उन्होंने ऑक्यूपाई किया आफ्टर ए विंटर लाल चाइनीज ट्रूप हैव अगेन क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख एट सैवरल प्लेसिस गवर्नमेंट सोर्सिस से एंड देयर हैज़ बीन एटलीस्ट 1 क्लैश बिटवीन द 2 साइड्स द अल्टरकेशन टुक प्लेस ऑन द गलवान रिवर क्लोज टू वेयर इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड ऑन June 15 लास्ट ईयर और अज ही कर्नल अजय शुक्ला का करण थापर जिहड़ा बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल फेम का एंकर है उहदे नाल इंटरव्यू भी आया और उहदे च उन्हां ने अगों होर वेरवे दिते क्योंकि एकदम जदों ये आर्टिकल आंदा तो आर्मी कहिंदी है भी बिल्कुल ये मिस इनफॉर्मेशन है ये वो है उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया और उन्हें कर्नल अजय शुक्ला ने कहा कि भाई आई स्टैंड बाई माई स्टोरी क्रेडिबल सोर्सिस हालां उन्हें कहा भी जिहड़ा कलैश होया 2 मई नूं उहदे च की कैजुअलिटीज़ ने इधरों की ने उधर उन्हों का पता नहीं है उन्होंने कहा भी ये बारे मैं श्योर नहीं है लेकिन सर्टनली उन्होंने ऑक्यूपाई किया और ईवन उन्होंने आलमोस्ट 2 फुल फ्लैज ब्रिगेड्स उत्थे ले आंदियां जड़ियां फ्रंट लाइनस के उत्ते और S-40 मिसल सिस्टम जड़ा अजय इंडिया लभ रहा है रशिया तो चाइना दे वो भी उन्होंने इंस्टॉल किया और उन्होंने कहा भी उन्होंने तो कनैक्टिविटी इन्नी कि ईजी है कि भी उन्होंने रोड्स दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जेडे पास्यों मर्जी वो आन और जिधरों मर्जी जाने उन्होंने कहा भी ऑलरेडी जिहड़ा फरवरी दे विच एग्रीमेंट होया सी उहदे च 3 किलोमीटर एरिया नू 2 हिस्सों च वंडिया गया सी एक थान ते मैक्सिमम 30 सोल्जर रुक सकते सी एक ते 50 जड़े ने वह रुक सकते सी पर यह जी इस लैवल दे उत्ते झड़प हुई है इहदा मतलब यह है भी चाइना ने अगेन इंडिया नूं ये मैसेज दे दिता है पोजिशन उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हैं जो भी सी ये तो जिवें उही कहावत हुंदी है भी वो फिरे नत्थ कढ़ाण नूं
नहीं वो कहे नत्थ कढ़ाण नूं वो फिरे नक्क वढ़ाण नूं कि भई इन्हां नूं तां सी कि जी गलबात क्यों नहीं शुरू करते तुसीं दूसरे सैक्टर्स तों भी पिछे हटो पेंगोंग उन्होंने कहा आ चो आ चको वापस और ये गल किस लैवल की सीरीयसनैस तक गई कि अज कांग्रेस क्योंकि पार्लियामेंट सैशन शुरू हो गया और उहदे च उन्होंने डिफेंस पैनल की मीटिंग होनी सी जिहदे च राहुल गांधी और दूसरा वह भी उहदा एम पी है वह भी उहदा डिफेंस पैनल का मैंबर भी है लेकिन इन्नी घबराई हुई है मोदी हकूमत जिवें जून 2020 च जदों इन्हां दी टैरिटरी जिहड़ी इक अंदाजे मुताबक 1000 स्क्वेयर किलोमीटर तो ज़्यादा चीन ने लई हुई है तो मोदी ने बिल्कुल यह कहा कि जी ना कोई आया ना कोई गया ना कोई घुसा ना हमने कोई छोड़ा ना उन्होंने कुछ लिया और ये अज कर्नल अजय शुक्ला कह रहा है उन्होंने कहा जी इस बयान तो वधिया होर की बयान हो सकता सी चीन तो उसे ही पैरट की बोली कहते जी सुन लो इंडिया की गल कि भाई है ही कुछ नहीं उन्हें कहा भी जी है ही कुछ नहीं तो गलबात कहदी की है जब तुम कि मंग करते हो जी चाइना डीएसकेलेट करे क्योंकि उन्होंने तो कोई टैरिटरी ले ही नहीं है साढ़े कहने मुताबक और हुण दी सिचुएशन भी सिचुएशन कुछ नहीं बदली है कि बजाय इस दे कि इंडिया हिम्मत करके कहता है भी उन्होंने तो जी फरवरी एग्रीमेंट किया भी वायोलेट कर दिता है डीएसकेलेशन के लिए और नाल दी नाल आर्मी ने कहा बिल्कुल झूठी खबर है उन्होंने कहा भी आही तो चाइनीज चाहते हैं भी उन्होंने ऐसा लिया के फसा दिता है कि ये जुत्तियां खा के भी ये कहेंगे कि नहीं 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 असी तो सेब खाधे असी कानू जुत्तियां खाधी हैं और ये जदों अज उन्होंने इस डिफेंस पैनल की मीट रखी तो वो एजेंडे के उत्ते सी रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड्स और राहुल गांधी और कांग्रेस ने बायकॉट किया और खबर है राहुल कांग्रेस एम पीज लीव डिफेंस पैनल मीट सीक डिस्कशन ऑन LAC अफगानिस्तान पाकिस्तान उन्होंने कहा कि भाई ये राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके भी कहा कि ये भी हो की रहा लाइन ऑफ एक्चुअल नाल दी नाल उन्हें अजय शुक्ले का जड़ा आर्टिकल है उसका लिंक भी ट्वीट किया उन्होंने कहा डोंट वेस्ट अवर टाइम डिस्कसिंग कंटोनमेंट बोर्ड्स वी वॉन्ट ए ब्रीफिंग ऑन द सिक्योरिटी इशूज़ कि भी उधर तुम LAC के उत्ते जो जुत्तियाँ खा रहे हो अफगानिस्तान तो जी है बिल्कुल पॉलिसी फेल हुई है वो एक डेंजर है बजाय गल कर कंटोनमेंट बोर्ड्स की गल कर रहे हो हालांकि जोड़ा BJP के जो ट्रॉलर एज यूजल होंगे ने उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू करता है राहुल गांधी के खिलाफ के जी सिक्योरिटी इशू ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय सेंसिटिविटी ऑफ द इशू दिस दैट लेकिन मैं समझदा भी ये क्वाइट ए क्रेडिबल स्टोरी है और ये दसदा है कि भी ये चीन का स्टाइल भी है चाइना क्लेम नहीं करता वो अपने एक्शंस राही दसदा है इन्हों इंडिया उन्होंने मैसेज भी दिता क्योंकि फरवरी दी उस डीएसकलेशन तो बाद जो चाइना ने कहा भी ठीक है इतने असी इस पोजिशन से चले जाने 3 किलोमीटर का जड़ा इसनों तुसीं डिसएनगेजमेंट जोन का उन्होंने ना दिता इतने रहो पर इस तो बाद इंडिया किवें भुड़किया अगेन क्वाड की गल अगेन तिब्बत दे दलाई लामे नूं जन्मदिन की वधाई भी दिती और अपनी सॉलीडैरिटी भी दिखाई तो चीन ने कहा भी आ लो काका तुहानूं असीं फिर एक चूरण दिंदे और कह के उत्थे बैठ गए ने नाल ही उन्होंने अपना मिसल सिस्टम खड़ा कर लिया उधरों वो SCO और दूसरिया मीटिंग दे विच भी चाइना जिहड़ा है तालिबान दे नाल उन्होंने हालांकि तालिबान ने जिवें मैं कहा कि उन्होंने कहा जी असी बिल्कुल कोई सिंह क्यांग और दूसरे दे नहीं पर चीन ने बड़ी क्लीयरली अज तालिबान नूं भी कहा कि भाई कम आउट क्लीयरली कोई तुहाडा टैररिज्म नाल जां दूजे नाल कोई वाह ना होए सो चाइना असर्ट कर रहा है इस वेले अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी की प्लेयर चाइना है उस खिते च भी है और बेशक इधर असी तो क्यूबा के हवाले नाल देखते हैं कि अमरीकन प्रेजिडेंट बाइडन ने अपनी सपोर्ट जोड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्होंने कहा जी वी सपोर्ट द प्रोटेस्टर्स और ये भी चाइना ने वॉर्न किया अमरीका क्योंकि क्यूबा भी वन बैल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और ये जी डीस्टेबिलाइजेशन प्रोसैस चल रही है हेती दे विच असी देखिया उत्थे तो हुण लुटमार दूजा तीजा चल रहा है उन्होंने प्रेजिडेंट की असैसीनेशन सो जाहिर है कि ये जी अमेरिका चाइना चल रहा है जो भी क्राइसिस ये भी उदी देन है हेती भी क्यूबा भी पर उस खिते दे विच चाइना जड़ा है वो स्मार्टली प्ले भी कर रहा है
और इंडिया मैनू नहीं लगता भी ये कितने जाके एंड होंगे। जिस किस्म की इन्होंने अपनी पॉलिसी ली है वो लूजिंग है, और भारत के लोगों जिन्हों अमेरिकन एक्सप्रैशन होंगी है दे हैव ब्रॉट द इंडियन पीपल इन द हार्म्स वे, और ये उन्होंने तबाही होएगी अल्टीमेटली। गल किधर जाएगी, लेकिन एक गल यकीनी है कि चाइना भारत के मूँह से बार बार थप्पड़ मार के उन्होंने होश टिकाने लियाने की कोशिश कर रहा है, पर हूँ देखो होश इन्हों आती है कि नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इतने ब्रेक व्यूअर्स हाँ, तो सर इसे तरह बने रहना, मिलते हैं छोटे जे वक्त बाद।